इस बर्फ के गोले से अब तुम्हें कौन बचाएगा मटरू? अच्छा ऐसी बात है, तो मेरे इस गोले से तुम बचो। वैसे इतना सारा बर्फ पिघल के कहाँ जाता है? ये बर्फ पिघल के झील बनती है चुटकी। क्या सच में? हाँ बच्चों, तुम्हें झील देखती है? ये देखो मटरू, ये झील कितनी बड़ी है। हाँ चुटकी, एकदम आसमान की तरह नीली भी है ये झील। और इसी झील का पानी बहते बहते बड़ी नदी में जाकर मिल जाता है। मम्मी चलो नदी किनारे चलते हैं। हाँ हाँ रोमा आंटी, चलते हैं ना। देखो बच्चों, यह है एक नदी। झील का पानी ऐसे नदी में आकर मिलता है। इस पानी से सबको गीला करने का मजा ही कुछ और है। बिल्कुल सही मटरू। अच्छा ये नदी यहाँ से कहाँ जाएगी? ये नदी गांव, शहरों और देश के अलग अलग जगहों पर जाती है। हाँ, और यह नदी जब पहाड़ों से नीचे गिरती है तब उसे क्या कहते हैं पता है? उसे झरना कहते हैं। बिल्कुल सही। मम्मी मुझे झरना देखना है। हाँ मुझे भी। हाँ हाँ बिल्कुल, चलो दिखाते हैं तुम्हें। अरे वाह, ये कितना खूबसूरत है। मेरी और चुटकी की एक तस्वीर खींच दो ना मम्मी। दोनों जरा करीब तो आओ। लगता है बच्चों बारिश होने वाली है, चलो जल्दी से वापस होटल में चलते हैं। हाँ हाँ चलो। ये बारिश का पानी कहाँ जाता होगा? मुझे पता है, ये पानी नीचे धरती में जाता है। बिल्कुल सही चुटकी, यही पानी फिर नीचे जाकर कुएं, हैंडपंप और ट्यूबवेल में जाकर इकट्ठा होता है। और फिर वहाँ से हमें मिलता है पीने का पानी। बिल्कुल सही मटरू। इतना ही नहीं बच्चों, समंदर और महासागर में भी बारिश का पानी ही होता है। अरे वाह, ये तो हमें पता ही नहीं था। अगली बार बच्चों हम तुम्हें समुद्र दिखाने ले चलेंगे, देखना चाहोगे ना? झील, नदी और झरने में से क्या ज्यादा पसंद है? क्या आपने कभी समुद्र देखा है? समुद्र कैसा दिखता है उसका एक चित्र बनाकर अपने परिवार और दोस्तों को जरूर दिखाएं। बाय बाय दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।